बिल्कुल निकालेंगे जब हमारे रविदास जी को, अगर इधर हटाने का इन लोगों को हक है तो हमें भी पूरा हक है कि हम इनके देवी देवताओं को कैसे रहने देंगे। तो हमें अपने हकों के लिए लड़ना होगा, और हम अगर 21 तारीख को हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम बिल्कुल ऑब्वियसली इनके देवी देवताओं को निकालेंगे। नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ है यूथ फॉर सोशल जस्टिस की टीम यहाँ, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि 19 और 21 को आपकी क्या तैयारी है। जी, हम 19 और 21 दोनों तारीख को यूथ फॉर सोशल जस्टिस की पूरी टीम हम हमेशा आगे रहेंगे और हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए। 19 तारीख को दिल्ली बंद है, हम उसके उस समय भी आएंगे आगे, और 21 तारीख को भारत बंद में भी आगे आएंगे। जितना हमारा कंट्रीब्यूशन होगा हम उससे ज़्यादा देंगे, और हम हमेशा तैयार रहेंगे और अब इन चीज़ों को सहन नहीं करेंगे। जो अत्याचार जो हो रहे हैं इनको बंद करने के लिए हम हमेशा आगे रहते हैं और अब भी आगे रहेंगे। कहा जा रहा है कि 21 तारीख को अगर कोर्ट हमारी बात नहीं मानता है तो आप लोग देवी देवताओं की मूर्ति बाहर निकालेंगे घर से, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल निकालेंगे जब हमारे रविदास जी को, अगर इधर हटाने का इन लोगों को हक है तो हमें भी पूरा हक है कि हम इनके देवी देवताओं को कैसे रहने देंगे। तो हमें अपने हकों के लिए लड़ना होगा, और हम अगर 21 तारीख को हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम बिल्कुल ऑब्वियसली इनके देवी देवताओं को निकालेंगे। तो आपसे पूछना चाहूँगी कि आप देवी देवताओं की मूर्ति घर से निकालेंगे 21 तारीख को, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या क्या तैयारी की? देखिए, तैयारी तो कभी भी किसी इंसान की पूरी नहीं होती है, लेकिन हम इसमें अपनी तरफ से जो होता है पुरजोर विरोध इस चीज़ का हम करेंगे, जो अत्याचार होते हुए आए हैं कि ये किसी एक मूर्ति को बाहर निकाल रहे हैं जो हमारे लिए हमारे आइडल है। हो सकता है इनके लिए इनके देवी देवता सर्वोपरि हों, ये उनको सबसे ऊपर रखते हों, ऐसे हम अपने जो हमारे आइडल है हम उनको ऊपर रखते हैं। जब इन्होंने उसको ही निकालने का पूरा वो कर लिया है तो हमें भी पूरा हक है कि हम इनके देवी देवताओं को घर से बाहर निकालें, और हम इसका पूरा विरोध करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी क्या तैयारी है, या आप क्या कहना चाहेंगे 21 और 19 तारीख के बारे में? देखिए, जैसे हमारी टीम के साथियों ने कहा कि 19 और 21 को जो हमारा यूथ फॉर सोशल जस्टिस एक जनसैलाब लाने की कोशिश करेगा, हमारे पंजाब हरियाणा और देश के अन्य साथियों ने तो एक अपनी दमखम दिखा दिया है, 1921 को दिल्ली दिखाएगा, उसमें यूथ फॉर सोशल जस्टिस की टीम पूरे अपने आक्रोश के साथ मैदान में उतरेगा। और दूसरी, अभी आपने एक बात और कही कि उनके देवी देवताओं को, देखिए हमारे तो जो रविदास जी, ये तो एक पूरा उनका प्रमाण है, पूरी दुनिया उनका जानते हैं कि प्रमाणिक हैं उनके, तो वो तो हैं ही नहीं, सिर्फ कागजों में हैं, मनगढ़ंत हैं, वो तो उनके लिए लड़ जाते हैं। तो हम जो हैं ही नहीं, हम तो उनको दिल से बहुत पहले से निकाल चुके हैं, अब थोड़ा कि तस्वीरों के द्वारा उनको निकालने की तैयारी किससे हो रही है, दिल से तो हमारे वो शुरू से ही निकल चुके हैं। और मुझे लगता है कि आधे भारत के लोग जो कहते हैं, जिन्होंने वास्तव में भारत के इतिहास को अगर ढंग से समझ चुके हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, वो उनको पूरी तरह से कहते हैं दिल से तो निकाल चुका है। और तस्वीरों से हम 21 को उनको निकाल देंगे, और कहते हैं हमारे ये शुरुआत भी हो चुकी है देश के अंदर, कई हमारे जो कहते हैं रविदास मंदिर, वाल्मीकि मंदिर, बौद्ध मंदिर, उस सब के अंदर मैंने कई जगह सुनी है और कई रिपोर्ट भी आई है लोगों ने अंदर, जो जो पहले मानते थे शायद उनको इतना ज्ञान नहीं था, उन्होंने कहते हैं उन जो काल्पनिक देवी देवताओं को ज़्यादातर निकाल दिया है। 21 को तो बस खाली मात्र दिखावे के लिए रह गए, और मुझे लगता है 90% लोगों ने तो निकाल दिया है, अब घरों से भी निकलने की तैयारी हो चुकी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।